के जिला अस्पताल में सफल सौवां जुड़वा बच्चा डिलीवरी कराकर बनाया रिकॉर्ड। इस दौरान बच्चा जच्चा वार्ड में उपस्थित नर्सिंग स्टाफ के चेहरे खुश नजर आए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले स्थित जिला अस्पताल में गुरुवार को खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सबके चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगी। चाहे अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन हो या अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ, सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि दुर्ग के जिला अस्पताल में जचकी वार्ड में सौवां जुड़वा बच्चा बड़े ही सफलता के साथ नॉर्मल डिलीवरी किया गया, जिसमें दोनों ही नवजात शिशु बालिका है। हाँ, मैं इसलिए फ्लाई मोड में डाल देता हूँ, मैं भी तुरंत डाल देता हूँ ताकि किसी को फोन मत आए। गौरतलब है कि जैसे ही जिला अस्पताल में सौवां जुड़वा बच्चा डिलीवरी की खबर फैली, जिसके बाद वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर एक दूसरे को बधाई देकर सभी ने बच्चों के साथ फोटो खिंचवाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान डॉक्टर विनीता धुर्वे ने बताया, 2022 में 21, 2023 में 30 और 2024 में 49, यानी आज पूरा सौवां जोड़ा जुड़वा बच्चा डिलीवरी कराया गया, जिससे सबसे ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी कराई गई। आपको बता दें, दुर्ग जिला अस्पताल के जचकी वार्ड में पदस्थ डॉक्टर विनीता ध्रुवे द्वारा अब तक लगभग 14,500 डिलीवरी करा चुकी है, जिनमें 6,480 सिजेरियन ऑपरेशन डिलीवरी शामिल है। इससे पहले भी जब 72वां जुड़वा बच्चों की डिलीवरी कराकर डॉक्टर विनीता ने छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में अपने नाम का अनोखा रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद आज पूरे 100वें बच्चा जुड़वा डिलीवरी कराकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। इस संबंध में डॉक्टर विनीता ध्रुवे ने प्रतिक्रिया दी। जी यहाँ पे अभी पिछले 2.5 सालों से मैं 100 ट्विंस डिलीवरी हुई है, तो आज 100वीं ट्विंस डे कराएं, इसलिए हम सारे लोग खुश हो रहे हैं, हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं यहाँ पे। देखिए, पहले तो मैंने शुरू शुरू में जब सौ मतलब 2022 से शुरू किया है मैंने ट्विंस कराना, उसके पहले 100 बहुत पहले हो गए, लेकिन पहले काउंट नहीं किया था। और जब से काउंट कराना शुरू किया मैंने, तो 2000 मतलब 2 5 6 इकट्ठे हुए, तो फिर मुझे शौक लगा कि इसको काउंट करना चाहिए, तो मैंने काउंट करना शुरू किया। फिर जब 10 11 हुआ, तो मैंने सोचा कि 2022 में चलो 22 करते हैं, तो लेकिन ऐसे बैड लक रहा कि 21 हुआ, 31 को एक पेशेंट हमारी रिफ़र हो गई, तो मेरे 22 नहीं हो पाए। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसको काउंट करते हैं अपन। फिर उसको काउंट करके फिर मैंने सोचा 50 करते हैं। फिर इधर उधर में पता की तो ना पूरे ऑल इंडिया में शायद किसी डॉक्टर ने नहीं किया है 100 डिलीवरी। तो फिर मुझे ऐसा शौक लगा कि मैं एक रिकॉर्ड बनाते हैं करके, फिर उसके लिए मेरे पूरे स्टाफ एकदम मतलब तैयार हो गए। हमारे पूरे डॉक्टर्स जो मेरे चारों जीएस हैं, डॉक्टर ममता पांडे मैडम, डॉक्टर बीआर साहू सर, डॉक्टर उज्ज्वला दिवांगर मैडम और डॉक्टर स्मिता मैडम, और मेरे जो कलीग्स हैं पूरे सारे लोग, डॉक्टर कुंती, डॉक्टर कीर्ति, डॉक्टर रिम्पल और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और मेरे पूरे स्टाफ जो हमारे इंचार्ज सिस्टर दोनों ममता शर्मा सिस्टर जी और मंजू नागरे सिस्टर और जितने भी स्टाफ हैं, सब लोग जब भी यदि ट्विंस डिलीवरी आती तो मुझे फ़ोन करते, मैडम ट्विंस आइए, आप आ जाइए करके। तो मैं भी ना अपने सारे काम का सब छोड़ के, मतलब इसके लिए मैंने बहुत सारी पार्टियाँ छोड़ी है, रात में दिन में जब भी फ़ोन आता तब आके फिर मैं डिलीवरी कराती। मूवी में बैठे थे तो वहाँ से छोड़ के आ जाती कि मुझे ट्विंस कराना है, मुझे 100 कराना, फिर धीरे से 50 के, 50 के बाद फिर शौक लगा कि 100 करना चाहिए। तो जो हमारे जितने पूरे फील्ड के भी डॉक्टर और जो स्टाफ हैं, वो सब लोग को जब पता चला कि मैडम मतलब टारगेट बनाने वाली है करके 100 करना चाहती, तो हमारे पूरे फील्ड के स्टाफ भी पूरे डॉक्टर्स और सिस्टर लोग हैं ना, मेरे नाम से पेशेंट रिफ़र करने लगे कि जैसे ट्विंस होते तो विनीता मैडम से जाके कराना, तो सारे यहीं पे आने लगे। तो वैसे करके हम लोग ने रोड काउंट करते 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 फिर इतना हो गया, जिसमें से आधे नॉर्मल डिलीवरी है, आधे सीजर है, दोनों ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रीटर्म है, तो बच्चे को हम लोग एडमिट किए हैं उनको। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।